नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल विषय लेकर आया हूँ जो है सहायता की दिशा, सफलता के रास्ते कैसे बनते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा और हर आदमी यही चाहता है कि मेरे को सफलता के रास्ते ज़रूर मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा साधन बन जाए जिससे कि मैं सफल हो जाऊँ। सफल होने की वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही अच्छी दिशा है जिसे नॉर्थ वेस्ट जोन, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन यानी कि वायव्य कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायव्य कोण, वायव्य दिशा भी इसे कहते हैं। जब वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट जोन उत्तर पश्चिम का कोना सही होता है तो उस घर के अंदर सफलता के रास्ते मिल जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं जब नॉर्थ वेस्ट जोन सही होती है। नॉर्थ वेस्ट जोन कैसे सही होती है? नॉर्थ वेस्ट ऊंची नहीं होनी चाहिए। किससे ऊंची नहीं होनी चाहिए? साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट जोन ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऊंचा होगा तो सहायता के रास्ते धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट जोन ईशान कोने से नीची होती है तो भी सहायता के रास्ते कम हो जाते हैं। उस घर में, उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति के काम नहीं बनते। जब नॉर्थ वेस्ट जोन में वास्तु दोष बन जाता है, सफलता के रास्ते नहीं मिलते। सफलता के रास्ते मिलने का एक ही तरीका है, स्पॉट मिलने का एक ही तरीका है कि आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन को सही करें। वायव्य दिशा का फ्लोर लेवल और छत का लेवल हमेशा ही दक्षिण दिशा से, पश्चिम दिशा से और नैऋत्य कोने से नीचा होना चाहिए। आग्नेय कोने के बराबर हो या उससे हल्का सा नीचा हो तो हमेशा ही वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट जोन उत्तर पश्चिम दिशा सहायता की दिशा बन जाती है। आपको हर तरफ से सहायता मिलने के रास्ते बन जाते हैं जब आपकी नॉर्थ वेस्ट जोन सही हो जाती है। ऐसे ही ईशान कोण उत्तर दिशा और पूर्व दिशा से वायव्य कोण नीचा हो जाता है तो भी सहायता के रास्ते धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। उस घर में रहने वाले व्यक्ति के काम नहीं बनते जब उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से, ईशान कोने से वायव्य कोण नीचा हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान कोने से वायव्य कोण हमेशा ही हल्का सा ऊंचा होना चाहिए या उनके बराबर होना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपको सफलता के रास्ते ज़रूर मिलेंगे। आपके बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिल रही तो आपके बच्चों को जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट जोन को सही करते ही। ये बात तो होगी फ्लोर के लेवल की, छत के लेवल की, ऊँचे और नीचे होने की। अब मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा आपने नॉर्थ वेस्ट जोन में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन में आपको स्टोर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन आपकी हल्की होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, क्योंकि यह सहायता की दिशा है। सहायता की दिशा सही होगी तो घर के अंदर खुशहाली जरूर आएगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट जोन में कभी भी लाल रंग या हरा रंग नहीं आना चाहिए। ये भी घर में रहने वालों में बेवजह की टेंशन पैदा करते हैं और नॉर्थ वेस्ट जोन जब भी खराब होता है, वास्तु दोष होता है, तो इसके कारण कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी होने के कारण भी बन जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा आपके यहाँ कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी है तो आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट जोन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जोन में वास्तु दोष बनता है तो इस तरह की समस्याएं वहां पर देखने को मिलती है। आज मैंने आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है।
उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से संतुष्ट जरूर होंगे। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें आपको अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, आप वास्तु सीखना चाहते हैं या वास्तुशास्त्र का ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट है या आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक बिल्कुल सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे एक छोटा बच्चा भी आराम से पढ़कर समझ सकता है। हमारी इस पुस्तक को हमारे पिताजी ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।